चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग डबल इंट्री सिस्टम के बारे में देख चुके हैं कि डबल इंट्री सिस्टम में कितने क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देख रहे थे, पर्सनल अकाउंट देखे, इंपर्सनल देखे, इंपर्सनल के अंदर दो देखे थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, इसमें रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का। तो सबसे पहला फर्स्ट अकाउंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल अकाउंट। पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे कि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है पर्सन से, अगर ट्रांजैक्शन में पर्सन नज़र आ गया तो उसमें रूल्स लगेगा पर्सनल अकाउंट का, अगर ट्रांजैक्शन में पर्सन नज़र आ गया तो उसमें रूल्स लगेगा पर्सनल अकाउंट का। पर्सन कौन होता है, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि राम मोहन सोहन सीता गीता सब पर्सन है, और भी लोग पर्सन हैं। तो देखिए क्या क्या पर्सन के अंदर आता है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। बोलता है इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन कॉमा बैंक कॉमा इंस्टीट्यूशन कॉमा कंपनी फर्म ETC कर दीजिए। अभी तक तो हम लोग ये समझते थे कि हम लोग पर्सन होते हैं, यहाँ तो बहुत सारा पर्सन हो गया। हम लोग नेचुरल पर्सन है, ध्यान देना, पर्सन दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पर्सन दो तरह का होता है कॉमर्स में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हम लोग तो नेचुरल पर्सन है इसलिए हम लोग अपने आप को ही पर्सन समझते हैं, जहाँ पर्सन का बात आता है हम ही लोग हैं, जितने नाम देख लो सब पर्सन है। बट बैंक भी एक पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ बनाया है इसको कोई, कोई ना कोई कोर्ट या कोई ना कोई लॉ इसको पर्सन बनाता है। जितने इंस्टीट्यूशन आपका कॉलेज ट्यूशन सेंटर हो चाहे कोई भी ट्रस्ट हो, है ना, NGO हो, सब का सब पर्सन है, इंस्टीट्यूशन सारे पर्सन होते हैं, कंपनी सारे पर्सन होते हैं, फर्म भी पर्सन होता है। आप एक बात बताओ, बैंक में अकाउंट किसका ओपन होता है, पर्सन का? अगर आपका स्कूल पर्सन नहीं है तो आपका स्कूल का अकाउंट कैसे ओपन हो गया, क्योंकि अकाउंट ओपन करते समय आधार नंबर चाहिए। स्कूल का आधार नंबर कहाँ से बना, ना उसका फाइव फिंगर्स है, आधार नंबर बनाने समय ये चलता है ना, सारा फिंगर्स लगता है, आई लगता है, बताओ कहाँ से आएगा स्कूल का? क्या उसके प्रिंसिपल का आधार नंबर से बन गया? नहीं, क्योंकि एक आधार नंबर से दो आदमी रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, तो प्रिंसिपल का तो खुद का आधार नंबर है, तो उनके आधार नंबर से अकाउंट कैसे ओपन हो गया? तो याद रखना आपके स्कूल का अकाउंट है, जितने कंपनी है सबका अकाउंट है, फर्म का अकाउंट रहता है। ये क्यों रहता है, किस बेस पर रहता है? तो चूंकि ये पर्सन है, कौन सा पर्सन है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये सब लॉ से बना हुआ पर्सन। कोई दिक्कत है? इसके लिए आधार कार्ड नेसेसरी नहीं होता है, इसके लिए आधार कार्ड नेसेसरी है नेचुरल पर्सन के लिए, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके लिए। तो याद रखना है पर्सन दो तरह का, कौन कौन सा बताए, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। एक और पर्सन होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, उसको कभी कभी कोई रिप्रेजेंट कर लेता है एज ए पर्सन, तो वो भी पर्सन हम लोग देखेंगे आगे। तो पहला बात हम लोग समझ गए कि पर्सनल अकाउंट के अंदर किसका किसका नाम इंक्लूड होगा, अगर पर्सन का नाम ट्रांजेक्शन में नज़र आ गया तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। दूसरा क्या बोलता है, अगर बैंक का नाम ट्रांजेक्शन में नज़र आ गया तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, अगर इंस्टीट्यूशन का नाम ट्रांजेक्शन में नज़र आ गया तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, कंपनी और फर्म का नाम नज़र आ गया तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, यानी इसमें से जिसका भी नाम नज़र आ गया वहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब एग्जाम्पल में लिखते हैं क्या क्या पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पहला राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, अब सारे आदमी का तो नाम लिखना पॉसिबल नहीं, बैंक में लिखो SBI, बैंक ऑफ इंडिया BOI कर देते हैं, टाटा कंपनी, इंस्टीट्यूशन में आप कॉमर्स वाली लिख लो अपने ही कोचिंग का नाम, और फर्म में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जैसे रोहित इंटरप्राइजेस एक नाम लिख देते हैं, रोहित इंटरप्राइजेस, क्लियर। या पार्टनरशिप फॉर्म भी इस पर आप इसमें लिख सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को भी फॉर्म्स में शामिल करते लेते हैं। तो ये सारे पर्सन हैं, और ये सारे किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। जब ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं तो इसमें रूल्स भी पर्सनल अकाउंट का लगेगा, ध्यान देना। ट्रांजेक्शन करते समय आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो पार्टी किससे रिलेटेड है, अगर वो ये चारों से रिलेटेड या पाँचों से रिलेटेड हो गया तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और जब वो पर्सनल अकाउंट में आएगा तो उसके ऊपर रूल्स भी लगेगा पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, तो चलिए हम लोग अब रूल सीखते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड
क्रेडिट द गिवर। अच्छे से देखिए ना, बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है देखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स हु इज रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसको क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा, और जो गिवर होगा उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। थोड़ा बैंक के साथ, अभी आप लोग किसी बिजनेस का ट्रांजेक्शन जानते नहीं हो, लेकिन बैंक का तो जानते हो डबल एंट्री सिस्टम, बाकी जितना जानते हो सब सिंगल एंट्री सिस्टम का जानते हो। तो बैंक के साथ क्या होता है, आप पैसा बैंक में जब डिपॉजिट करते हो, ध्यान देना, आप जब पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो तो आप कौन हो, रिसीवर हो या गिवर हो? आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आप कौन हो, गिवर हो, आप पैसा दे रहे हो ना। अब बैंक क्या है, रिसीवर है, तो बैंक अपने आप को वहाँ डेबिट करता है चूँकि रिसीवर है वो, और आप पर्सन हो ना जी, बैंक भी पर्सन है, आप भी पर्सन हो, तो बैंक डेबिट होता है वहाँ पे क्योंकि बैंक रिसीवर है और आप क्या हैं, गिवर हैं। तो आपके पास मैसेज क्या आता होगा, याद आया? आप जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं आपके पास मैसेज आता है क्रेडिटेड। क्यों आता है, क्योंकि बैंक रिसीवर था तो वो डेबिट मार लिया अपने आप को और आपके नाम को क्रेडिट मार लिया क्योंकि आप गिवर हैं। अब चल दें उल्टा, अगर आप पैसा बैंक से निकाल लेते हो तब क्या आता होगा, आप निकाल रहे हो पैसा बैंक से तो आप रिसीवर हो या गिवर हो, रिसीवर हो। रिसीवर को क्या करना चाहिए, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो मैसेज क्या आता है, डेबिट करने का। बात समझ आई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बैंक का बताया कि बैंक कैसे फंक्शन करता है। ये पूरा रूल्स बैंक के ऊपर लगेगा क्योंकि बैंक इसी के अंदर तो इंक्लूड होता है। बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारा पर्सनल अकाउंट के रूल से होगा। बैंक का सारा ट्रांजेक्शन किससे रूल्स होगा, पर्सनल अकाउंट। इंस्टीट्यूशन का सारा ट्रांजेक्शन पर्सनल से होगा, कंपनी पर्सनल से होगा, फॉर्म पर्सनल से होगा। बट पेन परचेज करेंगे, बताओ पेन परचेज किए क्या ये रूल लगेगा? पेन किसी पर्सन का नाम नहीं, बैंक का, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फर्म किसी का नाम नहीं। फर्नीचर परचेज किए क्या ये रूल लगेगा? रेंट पेड किए क्या ये रूल लगेगा? इसका मतलब रेंट पेड का अलग रूल है, फर्नीचर परचेज का अलग रूल है। ये रूल सिर्फ अप्लीकेबल किस किस पर होगा देखो, तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म या ETC, और भी बहुत सारे नाम्स होते हैं जो पर्सनल माने जाते हैं। अब इसमें कोर्ट भी किसी किसी को पर्सन मान देता है, उसको बोलते हैं जुडिशरी पर्सन, मतलब जुडिशियल मान लेता है कि ये भाई पर्सन है, समझ गए? कोई दिक्कत है, वहाँ भी पर्सन माना जाता है। अच्छा, आप लोग एक फिल्म आया था एंटरटेनमेंट देखे होंगे, कुत्ते के नाम पर प्रॉपर्टी है तो टैक्स कौन देता होगा? प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पर था तो टैक्स कौन देगा? मालिक कहाँ से, मालिक तो मर गया था, वो मालिक नहीं दे सकता, वैसा नहीं होता है। जो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगा टैक्स वो देगा ना। अब बताओ, अब टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया नोटिस लेके कुत्ते के पास, या जो उसको मॉनिटर कर रहा है रख रहा है उसके पास, कि भैया इसके पास इतना प्रॉपर्टी वेल्थ टैक्स दो, तो बोलेगा जाओ कुत्ते से ले लो, हिसाब किताब बराबर कर देगा। कैसे होगा, कुत्ता कैसे दे सकता है टैक्स? तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कोई कर दिया, वैसे तो वो फिल्म था, वो एक इमेजिनरी काम था, बट अगर एक्चुअल लाइफ में ऐसा कोई कर दिया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देता है कि देखो दुनिया में हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, बट इस कुत्ते को तो हम पर्सन मानेंगे, एज टैक्स लेने के लिए इस कुत्ते को हम पर्सन मानेंगे। और कौन सा पर्सन मानेंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जुडिशरी बोलती है कि ये पर्सन है, समझ गए? जुडिशरी बोल रही है, भारत की जो न्यायिक तंत्र है, जो जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये पर्सन है, बाकी के बारे में कुछ नहीं, बाकी कुत्ते का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस कुत्ते को हम पर्सन मानेंगे और पर्सन मान के टैक्स लगाएंगे। तो खैर बहुत लंबा लाइफ है, उधर आपको उतने लंबे में इंटर नहीं करना है, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स क्या है बताइए, सबसे पहले डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा डेबिट होगा, जो गिवर होगा क्रेडिट होगा। अब आपको ढूंढना है ट्रांजेक्शन में कि हुई इज रिसीवर एंड हुई इज गिवर। जो रिसीवर होगा डेबिट करेंगे, गिवर होगा क्रेडिट करेंगे। क्लियर? नहीं नहीं, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें दोनों सेट बैठे, ये ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें रिसीवर गिवर दोनों मिल जाए, ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं। इसको सपोर्ट करने के लिए एक और ट्रांजेक्शन जोड़ना पड़ता है, इसीलिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं जिससे रिसीवर और गिवर मिल जाए तो हम यहाँ जर्नल नहीं बना पा रहे, इसी कारण से वो आपके टीचर बता रहे होंगे कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें दोनों पार्टी सेम सेम मिल जाए, रिसीवर और गिवर का, यानी दोनों पर्सनल अकाउंट का पार्टी मिल जाए किसी ट्रांजेक्शन में, ऐसा नहीं होता है। पार्टी अलग अलग हो सकता है, एक में पता चला पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा तो किसी में रियल का रूल लगेगा, ये चीज़ हो जाता है। इसलिए वैसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं जिसमें पर्सनल पर्सनल मिलकर कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट करे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाला। पहले हम लोग सेकेंड चलने से पहले ये जान लें कि पर्सनल अकाउंट का टाइप्स कितना है, तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह का होता है, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तीन तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बताइए इसमें कौन आएगा, उस पांचों में से कौन सा नाम नेचुरल में आएगा, कौन ऐसा है जो नेचर से क्रिएट होता है उसमें से? सीधा लिखो नेम ऑफ पर्सन। कितना लिखते रहोगे नेम ऑफ, कितना नाम लिखते रहोगे? राम मोहन सोनी तो नहीं है दुनिया में। जितने नेम ऑफ पर्सन, जितने भी पर्सन होंगे सब नेचुरल में आते हैं। आर्टिफिशियल में कौन आते हैं? आर्टिफिशियल दैट मीन्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग। तो आर्टिफिशियल में कौन कौन आ जाएगा? बैंक भी आर्टिफिशियल है, कोई ना कोई इंसान बना रहा है, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फर्म, सब तो आर्टिफिशियल में ही आ जाता है। तो इसके अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड क्या क्या आएगा बताइए? इसके अंदर आ जाता है नेम ऑफ कंपनी कॉमा बैंक इंस्टीट्यूशन फर्म, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। मेन मेजर नेम हम लिख दे रहे हैं। आप टाटा कंपनी अगर दे दे तो टाटा कंपनी किसके अंदर आएगा बताओ? आर्टिफिशियल। अभी क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, और ये क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो नेचुरल पर्सनल में आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है, या रिप्रेजेंटेटिव में। तो समझने की जरूरत है, नेचुरल में आएगा नेम ऑफ पर्सन, कोई भी हो, राम मोहन सोहन जो भी। अगर उसके अलावा बैंक का नाम हो, कंपनी का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, फर्म का नाम हो, तो ये किसके अंदर कवर्ड होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें कौन बचा? वहाँ पाँच लिखा हुआ था, पाँच में चार इधर एक उधर, इसमें कौन बचेगा? तो इसका नाम ही वहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा पर्सनल अकाउंट जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल समझा देते तब समझ में आएगा। ऐसा पर्सनल अकाउंट जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और एक बात और हम बता दें कि जब नॉमिनल अकाउंट, अभी आप नॉमिनल पढ़ेंगे आगे, पर्सनल रियल नॉमिनल तीन अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में सफिक्स और परफिक्स अगर ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर से याद कीजिएगा, अभी जो नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे, पर्सनल के बाद रियल पढ़ेंगे, रियल के बाद नॉमिनल पढ़ेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रोफिक्स और सफिक्स को जुड़ जाए, कुछ पहले वर्ड जुड़ जाए, कुछ बाद में वर्ड जुड़ जाए, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड रेंट और एडवांस रेंट। देख लीजिए चार वर्ड इसमें आ गए और कुछ नहीं। पहले समझ लीजिए ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई ये बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम मालिक है और हम आपको बता रहे हैं, आप मेरे दोस्त हो, बता रहे हैं कि हमारे तीन स्टाफ का सैलरी बाकी है। अब ये भी नहीं बोले, हम सिर्फ बोले मेरा सैलरी बाकी है कुछ लोगों का, तो आप क्या समझोगे? या आपका दोस्त आपसे बोलता है कि रेंट बाकी है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है रेंट बाकी? सीधे लैंडलॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि किसी न किसी लैंडलॉर्ड का रेंट बाकी होगा। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रहा है, इसका मतलब सीधा किसी इंप्लॉय को इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो इंप्लॉय है जिसको जिसका सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग किसी ने किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ने किसी इंप्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेंट आउटस्टैंडिंग सीधा लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर? तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहाँ नाम नहीं बोला जाता बट वो किसी ने किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई बोला मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो सीधा वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक का लोन अभी तक पे नहीं हो पा रहा। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस आते, और यही चार वर्ड जुड़ेगा, ये चार जो है इधर चेंज होता रहेगा, ये कोई भी चेंज हो जाएगा लेकिन ये चार ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स इनकम, सर्विस रिसीव बट नॉट पेमेंट, वो होता है आउटस्टैंडिंग। सर्विस आपने रिसीव कर लिया बट पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग, क्लियर? और वही ध्यान देना, ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग होगा जो सर्विस रिसीव, जैसे आप मेरे पास पढ़ लिए और फी नहीं पे किए तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग फी कहलाएगा, और मेरे लिए वही बात एक्रूड कहलाएगा। हम पढ़ा लिए और अपने को पैसा नहीं मिला तो मेरे लिए एक्रूड वर्ड होगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मैंने तो पैसा कमा लिया भाई
पढ़ाए एक महीना तो पैसा मेरा हो गया, बट हम रिसीव नहीं किए तो उसको एक्रूड बोलते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। और वही बात आपके लिए आउटस्टैंडिंग है कि आपने सर्विस लिया पेमेंट नहीं किया, तो दोनों सेम बात है, सिर्फ एक लेने और देने वाले के ऊपर, ये दोनों भी सेम बात है। एडवांस क्या होता है, जो देता है वो प्रीपेड करता है, जो लेता है वो एडवांस होता है। जैसे आप अगर पढ़ने से पहले हमको फीस सबमिट कर दिए तो आपके लिए वो वर्ड है प्रीपेड, और मेरे लिए रिसीवर हम है ना, तो मेरे लिए वो वर्ड है एडवांस। लेकिन उल्टा सब बोलता है, आप हमको पेमेंट देने आते हैं सीधा बोलते लीजिए सर एडवांस, जबकि आपके लिए एडवांस नहीं, जो गिवर है उसके लिए प्रीपेड, आप पहले पेमेंट करो तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। रिसीव हम कर रहे हैं तो मेरे लिए एडवांस है, मेरे लिए लायबिलिटी है आपका पैसा। जब तक हम आपको सर्विस ना दे दें तब तक वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, और एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जब पूरा कोर्स पढ़ा देंगे मेरा पैसा एसेट बन जाएगा, फिर हम उस पैसे को एसेट मानेंगे, फिर आप वापस भी मांगोगे तो नहीं देने वाले, क्योंकि हमने तो सर्विस पूरा कर दिया। क्लियर? तो यही बात आपको समझना है। तो ये चार वर्ड ऐसे हैं जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, इसलिए इस चारों को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर ही हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग अगर हम बहुत सारा वर्ड दे, बहुत सारा नाम लिख दे, तो सेलेक्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल कौन, आर्टिफिशियल कौन, रिप्रेजेंटेटिव कौन, सिलेक्शन हो सकता है। चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल्स, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है। रियल अकाउंट मीन्स क्या, जो रियल है, जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट में आएगा। पेन रियल अकाउंट होता है, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यार चार चीज़ होना चाहिए, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और सेल। टच सीन तो हमको भी कर सकते हैं बट परचेस सेल नहीं कर सकते, इसलिए पर्सन क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, यहाँ पर नहीं जाता। बट ये बोर्ड है, इसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो आपको मिलेगा किसी बिजनेस में वो रियल अकाउंट का मिलेगा। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 95% ट्रांजेक्शन रियल अकाउंट का मिलेगा, 2 या 3% ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट का मिलेगा, और 1% ट्रांजेक्शन आपको नॉमिनल अकाउंट का मिलेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस पे होता है, जैसे रेंट। तो बताओ एक बिजनेसमैन रेंट पर डे देता है या महीने में एक बार देता है, वो एक ही बार ना देता है। तो बताओ अगर एक महीने में 500 ट्रांजेक्शन होता तो एक एक ट्रांजेक्शन रेंट का होगा। स्टाफ को सैलरी पर डे देता है या महीने में एक बार देता है, तो एक बार, तो मान लो 500 ट्रांजेक्शन है तो एक ही ट्रांजेक्शन ना सैलरी का होगा, बट वो परचेज और सेल तो रोज़ कर रहा है, और जो परचेज और सेल कर रहा है वो दोनों टच कर सकता है, सीन कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, तो सारा रियल अकाउंट है। हाँ, अगर डेली बेसिस पर कोई काम कर रहा है तो वो डेली बेसिस पेमेंट होगा, वो अलग चीज़ है, उसको वेजेज बोलते हैं लोग। जो डेली बेसिस पर काम करता है उसको वेजेज बोलते हैं, और जो मंथली बेसिस पर काम करता है उसको सैलरी बोलते हैं, और जो एनुअल बेसिस पर काम करता है उसको पैकेज बोलते हैं। कोई कोई लोग बोलता है कि अपने को पैकेज चाहिए, मतलब पूरे साल में इतना पेमेंट अपने को दे दो, तो पैकेज बेसिस पर काम होता है। तो खैर हम लोग वो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो रियल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, बोलता है इट इंक्लूड्स, या लिख सकता है इट रेफर्स टू दोज अकाउंट विच कैन बी टच सीन परचेज एंड सोल्ड। एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा, बिजनेस का एग्जाम्पल बता दे। वैसे अपने घर में अगर देखो तो सब टच एंड सीन कर सकते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो, सब देख सकते हैं, और सब रियल अकाउंट है। बट उतना सारा घर का एग्जाम्पल नहीं, आपको बिजनेस का एग्जाम्पल देना है। बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है, हाँ या नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, कैश को टच नहीं करते हैं। अच्छा, कैश को सेल कर सकते हैं, सेल ही तो करते हो, पुराना पैसा सेल होता है। अच्छा, मेरे पास 50,000 रुपये है और 50,000 की कोई गाड़ी है, तो 50,000 हम सेल कर दिए, गाड़ी लेके आ गए, तो कैश सेल नहीं होता है। सेल दैट मीन्स क्या, आप लोग क्या सोचते हो, सेल का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोसेसन, हमारे पास से ट्रांसफ़र हो गया, सेल हो गया, तो पैसा भी तो जा रहा है। क्लियर?
तो ये सारा हमारा ध्यान देना, इस सबको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये सारा किसका एग्जाम्पल है? रियल अकाउंट का। और भी बहुत सारे जो आपको दिख रहा है, पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक्स, ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग, जितना लिखना लिख दो सब। लेकिन घर का एग्जाम्पल नहीं बता रहे हम आपको, समझने के लिए बता दिए भले घर का एग्जाम्पल, यहाँ पे बिजनेस का एग्जाम्पल, क्योंकि आप किसके लिए रिकॉर्डिंग करोगे, घर के लिए या बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का एग्जाम्पल ये है। अब इसका रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का, पहले समझिए, उसके बाद आराम से लिखते रहिए। रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का? तो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या इसका मीनिंग हुआ? बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा डेबिट करेंगे और जो जाएगा क्रेडिट करेंगे। एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। चलो क्या खरीदे बताओ, एक एग्जाम्पल। चलो ठीक है, परचेज कार, कुछ भी खरीदो तो कार ही ना है, चाहे मर्सिडीज बेंज खरीदो चाहे कोई हो, परचेज कार। चलो 4 करोड़ का खरीदते हैं, लाख कर दो काफ़ी है, अपने औकात तक रहना अभी। अब बताओ कार परचेज किए होंगे तो क्या कम्स इन हुआ होगा, क्या गोज आउट हुआ होगा? जब हम कार परचेज किए तो मेरे लिए सोचिएगा, जब हमने कार परचेज किया यानी बिजनेस कार परचेज करता है, तो बिजनेस में क्या कम्स इन हुआ होगा और क्या गोज आउट हुआ होगा? कार का आया होगा और कैश गया होगा, इन हुआ होगा। कार खरीदेंगे तो कार आएगा और पैसा जाएगा, यानी कार कम्स इन हो रहा है तो डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब देखो कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर लिखने का तरीका, एक फॉर्मेट होता है कार अकाउंट डीआर डेबिट, देख लीजिए क्या बोल रहा है रूल्स, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन होगा डेबिट करो। तो कार मेरे पास कम्स इन हो रहा है, कार को डेबिट करेंगे। लिखने का तरीका क्या है? तो लिखेंगे कार अकाउंट एसी, मतलब दैट मीन्स अकाउंट, और लाइन आप खींच भी सकते हो, नहीं भी खींच सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे हम सीधा करने के लिए खींच रहे हैं वाइट पेपर, इसलिए कार अकाउंट डेबिट, क्लियर। और क्रेडिट कैसे लिखेंगे? तो क्रेडिट किसको लिखना है? बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट हो रहा है। तो क्रेडिट लिखने के लिए यहाँ से थोड़ा हट के लिखेंगे टू, यहाँ से थोड़ा हट के लिखेंगे टू। टू डिनोट करता है क्रेडिट को, और डेबिट को किसे डिनोट करते हैं? डी आर से, डेबिट दैट मीन डी आर, और क्रेडिट को किसे डिनोट करते हैं? टू से। थोड़ा सा हट के लिखना है टू, और क्या कम बताओ, क्या गोज आउट हो रहा है यहाँ पे? कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। बात समझ आई? फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको, यही तो जर्नल है, यही जर्नल है आप लोगों का, यही बेसिक चीज़ है। ट्रांजेक्शन को पहली बार फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड यही करना है और यही सीखना है आपको। तो बोलता है कि परचेज कार, कार हमारा रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो जब रियल अकाउंट है तो रूल्स तो रियल का लगेगा, पर्सनल का रूल लगेगा नहीं। तो पर्सनल का रूल नहीं लगेगा, रियल का लगेगा। रियल में क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या व्हाट कम्स इन? कार कम्स इन, तो कार का अकाउंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट को किसे डिनोट करते हैं? टू से। अब यहाँ नरेशन लिखा जाता है, नरेशन, जिसको हम लोग रीजन बोलते हैं, कि किस लिए आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ रीजन लिखा जाता है। तो रीजन लिखते समय आप यहाँ फोर, बींग, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बींग लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं। आपके डीके गोयल के बुक में तो कुछ नहीं लिखा है, सीधा ट्रांजेक्शन उतार देता है, इसी को यहाँ उतार देना है। रीजन है क्या बताओ? पूछेगा कि क्यों ऐसा की हो? बिकॉज परचेज कार, तो लिखोगे बींग परचेज कार, फोर परचेज कार, कुछ भी लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं, बींग लिख सकते हैं, बिकॉज लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट लिख दीजिए परचेज कार। तो लिख दे रहे हैं बींग या फोर, जैसे बींग हम लिखते हैं हम लोग, बींग कार परचेज, कार परचेज, हमने कार खरीदा इसलिए ऐसा रिकॉर्ड किया। और अमाउंट देखो, ध्यान देना है, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, और ये वाला थोड़ा हट के है ना, जब ये हट के तो अमाउंट भी थोड़ा सा हट के आएगा 4 लाख, ये लाइन खींचाएगा, पार्टीशन होता है 5 कॉलन में, तो हम लोग कॉलन वाइज करेंगे। अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग सीखिए, रिकॉर्डिंग अभी सिखा रहे, फॉर्मेट बाद में हम सिखा देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये रीजन क्यों, ये क्यों लिखा जाता है नरेशन, उसका कारण क्या होगा? कुछ तो लॉजिक होगा, बताओ जी। आप किसी एक कंपनी में अकाउंटेंट हैं, आपने अकाउंटिंग कर दिया और आप जॉब छोड़ दिए, या बहुत बुजुर्ग हो गए 80 साल के, है ना, ऊपर चले गए, और 80 साल के बाद आप चले गए, तो जो नया अकाउंटेंट आएगा वो जब पीछे का ट्रांजेक्शन, प्रीवियस ट्रांजेक्शन देख रहा है, कोई ऐसा पार्टी आया जो बोला मेरे पीछे पेमेंट था, देख लो, अब नया नया आप हो तो पीछे प्रीवियस जब पेमेंट चेक कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ का एंट्री है। अगर ये हटा देंगे ना तो कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा,
तो ऐसे में क्या परचेज कार नहीं लिखा जाता है, कार लिखा जाता है, परचेज नहीं लिखा जाता है। परचेज वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। आपको बताए भी होंगे जब यहाँ गुड्स लिखा रहेगा ना तभी यहाँ परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर? गुड्स के अलावा कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो वो एसेट कहलाता है और एसेट का नाम लिखा जाता है, कभी परचेज वर्ड यूज नहीं होता है। तो अगर ये रीज़न लिखा हुआ ना, ये तो छोटा सा ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पर कोई भी बता देगा कार खरीदा होगा, बट बड़े बड़े जब ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ जो रीज़न है ना, रीज़न नहीं लिखेगा तो कोई भी अकाउंटेंट समझ नहीं पाएगा हुआ क्या था यहाँ। इसलिए रीज़न लिखना जरूरी है कि आप अगर छोड़ देंगे तो नए वाले को समझ कैसे आएगा। तो नए वाले को समझने के लिए आपको रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर? ये तो अगर आप मिटा भी दो और किसी भी अकाउंटेंट के पास लेके चल जाओ, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट के पास लेके चल जाओ, कॉमर्स का स्टूडेंट बता देगा कार परचेज का। बट बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अभी आगे आएंगे, आपको जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होगा समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो वहाँ हर व्यक्ति, आपके टीचर चाहे कोई भी, ये पूछेंगे कि बताओ इसका क्वेश्चन कैसा था। और आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को ही तो लिख रहे हो, यहाँ बींग करके क्वेश्चन ही लिख देना। जब तक आपको अभी तो पूरा अच्छा समझ नहीं आ रहा तब तक क्वेश्चन ही लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन ही तो मेन रीज़न है, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा रिकॉर्ड किया। एक और ले, अच्छा परचेज कार का आप समझ गए तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में जितने एसेट्स होते हैं, जितने रियल अकाउंट होते हैं, सबका परचेज का आप समझ गए। समझ गए? देखो अब लोग कैसे समझे, सो जितना रियल अकाउंट है सबका परचेज का आप समझ गए। अभी क्या परचेज किए थे? कार, तो कार कमसिन हुआ था, कैश गोज आउट हुआ था। अब परचेज करें प्लांट, क्या होगा एंट्री क्या बनेगा बताओ? प्लांट परचेज करेंगे प्लांट आएगा, पैसा जाएगा। मशीनरी परचेज करेंगे मशीनरी आएगा, पैसा जाएगा। कंप्यूटर परचेज करेंगे कंप्यूटर आएगा, पैसा जाएगा। रूल्स तो वही है, कमसिन वो एसेट्स हो रहा है और गोज आउट तो कैश ही हो रहा है। तो क्या बनेगा प्लांट परचेज करने का? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। मशीनरी परचेज का क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर परचेज का क्या बनेगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब हम दोबारा परचेज का एंट्री नहीं बताने वाले, इसी में सब समझ लो। फर्नीचर परचेज करेंगे, आप लोग बताओ फर्नीचर परचेज का क्या बनेगा? सारे बच्चे बताएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई दिक्कत है? अब चलो हम लोग लैंड खरीदते, कैश परचेज का नहीं होता है। लैंड खरीदेंगे तो क्या होगा बोलो? बोल, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। और बिल्डिंग परचेज करेंगे क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? मीन्स जो कमसिन होगा डेबिट करेंगे, जो गोज आउट होगा क्रेडिट करेंगे। अभी इसका उल्टा चलते हैं, सेल्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल टू लिखा है सोल्ड कार, 4 लाख का खरीदे थे, 5 लाख में बेच दिया। अब कार सेल कर रहे हैं, क्या कमसिन क्या गोज आउट? कार सेल कर रहे हैं हम लोग, कैश कमसिन कार गोज आउट। जस्ट इसका रिवर्स कर देना, उल्टा। उल्टा मतलब ये नहीं कि टू ऊपर चला जाएगा, ये और ये चेंज होता है। देखो ये चेंज होता है और ये चेंज होता है, ये सब बाकी फॉर्मेट है, वो अपने जगह पे फिक्स है। ये चेंज करना, ऐसा ना करना कि टू ऊपर कर देंगे क्रेडिट डेबिट वाला कर, नहीं उल्टा करना है सिर्फ। तो क्या करेंगे बताओ? कैश अकाउंट डेबिट और टू कार अकाउंट, नहीं क्या होगा? बींग सोल्ड, कार बेचा हमने 5 लाख का, डेबिट अमाउंट 5 लाख का। बात समझ आई? अब आप सारे बच्चे इसको रिपीट करेंगे एक करके, सारा हम लोग खरीदेंगे फिर से और फिर से बेचेंगे। प्लांट खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनेगा परचेज प्लांट का? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगा, सारे बच्चे बोलेंगे। मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर परचेज करेंगे क्या बनेगा? फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगा। अब बेचने का देखो, प्लांट बेचेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ चेंज ना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट। मशीनरी बेचेंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कंप्यूटर बेचेंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर होगा। रिपीट करना है, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे इतना कन्फ्यूजन दूर होगा। और अभी शुरुआत में लगता है, स्टार्टिंग में, क्योंकि ABCD सीख रहे हो और फील करो कि वैसा ही लगता होगा अभी आप लोगों को। हम फील कर रहे हैं, आपके आप तो फील क्या कर रहे हो, हम फील कर रहे हैं कि वैसा ही लगता होगा जैसे बचपन में ABCD सीखते थे। आप लोगों के साथ वैसा लग रहा है, पढ़ाने वाले को भी वैसा ही लग रहा है कि बच्चे को कुछ नहीं पता, पहली बार बताना पड़ रहा है, पी ऐसे लिखाता है, क्यू ऐसे लिखाता है, आपको उसी तरह से लग रहा है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी लगने लगेगा आपको ये। क्लियर? तो एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लेना है, आसान पड़ेगा। ये याद रहेगा सब लोगों को, कोई इशू? अब अगर ये देख लें तो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन चूँकि रियल का होगा, और रियल में याद रखना है क्या बोलता है, कम्स इन डेबिट होगा, गोज आउट क्या होगा क्रेडिट होगा। अभी इधर ध्यान दीजिए,
अब हम लोग टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट देख ले। बताओ रियल अकाउंट कितने तरह का होता है? रियल अकाउंट दो तरह का देख लीजिए इधर। सबसे पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आपको एक बात हम हिंट करके बता दें, आपने जो रियल अकाउंट पढ़ा है वो इसके लिए पढ़ा है। रियल अकाउंट मीन्स टेंजिबल रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मीन्स टेंजिबल। आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो टेंजिबल के सूटेबल है, तो लिख सकते हैं इट इज रियल अकाउंट। ये लिखने से हालांकि रिलीवेंट नहीं होगा, आप सिर्फ याद रखो उसको कि रियल अकाउंट दैट मीन्स टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल में कौन हो सकता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आपको दिखता है, वो सब इसमें आएगा। तो बताओ क्या क्या आ सकता है जो दिखता है आपको? लैंड, बिल्डिंग, सारा तो यहाँ जो लिखा है सब दिखता है आपको, देख लो। प्लांट, मशीनरी, ईटीसी, जो जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आपको दिखता है, वो कहाँ जाता है? टेंजिबल रियल अकाउंट में। और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो जाता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। इनटेंजिबल मतलब जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, जो दिखता ही नहीं, वो इनटेंजिबल हो जाता है। कौन कौन ऐसा है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है जो दिखता ही नहीं आपको, बट उसको बेच सकते हैं? आपके दिमाग से ऊपर का चीज़ है, तो हम लिख देते हैं गुडविल। जानते हो गुडविल का दूसरा नाम होता है रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सारे इंटेंजिबल एसेट है जो फिजिकली दिखते नहीं है बट बिकते हैं। आप लोगों को मालूम है गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस का रेपुटेशन बिकता है। आज आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस खरीदिया 7500 करोड़ में, तो क्या खरीदा वो? प्रॉपर्टी तो 7500 करोड़ का नहीं था। उतना का प्रॉपर्टी आकाश के पास हो जाए तब तो करोड़पति हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो हो सकता है कि 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा टोटल मिला के, और 10 करोड़ वाला बिजनेस को 7500 करोड़ में खरीद लिया, तो क्या खरीदा वो? उसके नाम को खरीदा। आकाश इंस्टीट्यूट को हर बच्चा जानता है, उसके नाम को खरीद लिया। तो ये होता है रेपुटेशन, उसके बिजनेस के रेपुटेशन को खरीद लेता है कि तुम्हारे नाम से हम बिजनेस चलाएंगे, तुम्हारा जो मार्केट में गुड नेम है उससे हम बिजनेस चलाएंगे, उसके बदले में पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं गुडविल का पेमेंट। पेटेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन पावर, प्रोडक्शन राइट। हर कंपनी के पास अपना पेटेंट राइट होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने का पावर। जैसे स्कॉर्पियो बनाने का पावर किसके पास है? महिंद्रा के पास है। महिंद्रा अगर अपना स्कॉर्पियो बनाने का पावर किसी को बेचेगा तो उससे पैसा लेगा, बस इतना ही पावर दे रहा है, तुम स्कॉर्पियो बनाओ और बेचो। उसके बदले में वो पैसा लेगा, किस चीज़ का पैसा लेगा? पेटेंट का, क्योंकि पहली बार डिज़ाइन तो उसी ने डेवलप किया और पेटेंट राइट उसके पास है। अब जो भी दुनिया में स्कॉर्पियो बनाएगा महिंद्रा को पेटेंट का पैसा देगा तभी बनाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई कंपनी का डुप्लीकेशन नहीं आता है। ये समोसा सेंटर नहीं है कि समोसा डुप्लीकेट बना दिया, उसका पेटेंट नहीं होता, नहीं तो पता चला एक ही दुकान में मिलेगा। अगर समोसा का पेटेंट हो जाए कि तीन कोने वाली मिठाई हम एक ही आदमी बनाएगा तो फिर तो कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन कार बताओ, क्या दूसरी कंपनी एप्पल का फ़ोन बनाने का ताकत नहीं रखती क्या? हर कंपनी के पास इतना ताकत है कि एप्पल जैसा फ़ोन बना दे, लेकिन क्यों नहीं बना पाता है? अभी एप्पल हाल फिलहाल में केस कर दिया था पेटेंट का वन प्लस पर कि तुम्हारा सेट मेरे जैसा दिखता है, जी मेरे जैसा ही दिख रहा है तुम्हारा सेट, चेंज करो उसको। तो लोग पेटेंट पावर रखते हैं, कोई दिक्कत है? नीचे कॉपीराइट, बुक लिखने का पावर। अभी डीके गोयल का बुक अगर कोई डुप्लीकेट करना चाहेगा ना, तो सबसे पहले कॉपीराइट उसमें लिखा हुआ है डीके गोयल का, वो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। अगर कोई छेड़छाड़ करेगा उस बुक के साथ तो वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अच्छा, कोई गाना डेवलप करता है, कोई सिंगर है बहुत अच्छा सॉन्ग डेवलप किया, तो क्या करा लेता है उस सॉन्ग का? कॉपीराइट। कोई स्टोरी राइटर है, अच्छा स्टोरी लिखा, उसका स्टोरी को चीट कर लिया उससे, चाहे जैसे भी चीट किया, तो सबसे पहले जैसे कोई स्टोरी लिखता है, अच्छा स्टोरी है, तो सबसे पहले कॉपीराइट करा लेता है। उसके बाद बोलता है आप तुम लोग जितना चीट करना मेरे साथ करो, तब पब्लिशर को छापने देता है कि छापो। नहीं तो ऐसे ऐसे पब्लिशर है ना कि आप अभी नए नए राइटर बने हो,
आप और पब्लिशर पता चला करोड़पति है, वो तो एक घुसने नहीं देगा अपने घर में, और आपसे एक बार राइटर राइटिंग ले लिया और स्टोरी ले लिया और आपके स्टोरी पर फिल्म बना दिया, पैसा कमा लिया, और आपको चवनी नहीं देगा, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं तो। और कॉपीराइट है केस कर दो, फिल्म रिलीज ही नहीं होगा। जब तक आपको पैसा नहीं देगा तब तक रिलीज नहीं होगा, इसलिए कॉपीराइट पावर होता है। उसके नीचे क्या है, सॉफ्टवेयर तो जान ही रहो, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाएगा कोई आदमी तो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेगा कि नहीं लेगा गवर्नमेंट से। और लास्ट क्या है, ट्रेडमार्क, बिजनेस का साइन, TM लिखा रहता है प्रोडक्ट में, देखें ऐसा लिखा हुआ TM ट्रेडमार्क, बिजनेस का जो सिंबल होता है ना उसको रजिस्टर्ड करा लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ट्रेडमार्क। ये सब बिकता है, इनटेंजिबल है बट बिकता है, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, फिजिकली दिखता नहीं आपको, इनविजिबल है, बट ये सेलेबल है, इसको सेल कर सकते हैं, ये रियलाइजेबल वैल्यू रखता है, इसको रियलाइज कर सकते हैं, वसूल सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं।